नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वाच्य अर्थात वॉइस। ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाना जाने वाले प्रश्न है कि वाच्य किसे कहते हैं, या फिर आपको एक वाक्य दे देंगे कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो देखते हैं हम दोस्तों, पहला मतलब का वर्ग, हलवाई मिठाई बना रहा है। ख वर्ग देखिए आप, हलवाई से मिठाई बनाई जा रही है। ग वर्ग देखिए, हलवाई से सोया नहीं जाता, हलवाई मिठाई बना रहा है। हलवाई से मिठाई बनाई जा रही है, हलवाई से सोया नहीं जाता। तो दोस्तों, इसमें कुछ क्रियाएं हो रही हैं। क्या हो रही हैं? क्रियाएं, और क्रिया के रूपांतरण का बोध उसके प्रधान विषय पर पड़ रहा है, यानी कि जैसा उसका विषय है उसी प्रकार उसकी क्रिया हो रही है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। यानी कि जो उसका प्रधान विषय है तो उसके अनुसार ही जो क्रिया होती है, तो क्रिया कर्म के अनुसार है, या फिर भाव के अनुसार है, या फिर कर्ता के अनुसार है। यानी कि जो हमारी क्रिया है ये कर्ता के अनुसार है, या फिर कर्म के अनुसार है, या फिर भाव के अनुसार है। तो जब ये क्रिया कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार बदल जाती है, तो यही क्या होता है दोस्तों? वाच्य होता है। अर्थात क्रिया जिस पर निर्भर होती है उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ऊपर दिए गए क वर्ग के वाक्य में क्रिया क्या है दोस्तों? बना रहा है। ऊपर दिए गए क वर्ग के वाक्य में क्रिया बना रहा है, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है, इस प्रकार ये वाक्य कृतवाच्य है। दोस्तों, यानी कि यहां पर क्या है? हलवाई, हलवाई के अनुसार हमने क्या रखा यहां पर? बना रहा है। क्या है? बना रहा है। तो यहां पर जो क्रिया हुई है वो कृत के अनुसार हुई है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, ख वर्ग के वाक्यों में क्रिया बनाई जा रही है। दूसरे वाक्य में क्या है हमारा? बनाई जा रही है, क्रिया है, बनाई जा रही है। का उद्देश्य कर्ता के बारे में नहीं है, कर्ता तो ये था, बल्कि मिठाई के बारे में बताया जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है, यानी कि जो कर्ता है वो क्या कर्म कर रहा है? तो कर्ता क्या कर्म कर रहा है? मिठाई बना रहा है। तो ख वर्ग के वाक्यों में क्रिया क्या है? बनाई जा रही है। का उद्देश्य कर्ता के बारे में नहीं है, कर्ता हलवाई है तो कर्ता के बारे में नहीं है। दबाव कहां पर पड़ रहा है हमारे बोलने में? दबाव मतलब गहराई कहां पर छिपी हुई है ये आपको देखना है। बल्कि मिठाई के बारे में बताया जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है, इस प्रकार ये वाक्य कर्म वाच्य है। अब देखिए दोस्तों, ग वर्ग, ग वर्ग के वाक्य में क्रिया क्या है? सोया नहीं जाता। क्या है? सोया नहीं जाता। तो यहां पर क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है और ना ही कर्म के अनुसार, ना तो यहां पे कृत हो रहा है और ना ही यहां पर कर्म हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों? भाव क्या हो रहा है? भाव जग रहा है। तो बल्कि भाव के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई है, इस प्रकार ये वाक्य भाववाच्य है। दोस्तों, आपको क्या देखना है दोस्तों? वाक्य में क्रिया देखना है। क्या देखना है? क्रिया। तो क्रिया को आपको काय से जोड़ना है? अपने इधर के साइड के वाक्य से जोड़ना है, मतलब इधर के शब्दों से देखना है कि आखिर यहां पर क्या चीज हो रही है। ये क्रिया काय से जुड़ी है? ये क्रिया कर्ता से जुड़ी है, या फिर ये क्रिया कर्ता के कर्म से जुड़ी है, या फिर ये क्रिया कर्ता के भाव से जुड़ी हुई है। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं वाच्य की। क्रिया के जिस रूपांतरण से, यहां पर क्रिया का तीनों में क्या हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है दोस्तों, रूप बदल रही है। यहां अलग थी, यहां अलग है और यहां अलग है। रूपांतरण से यह बोध हो कि
उसके विधान प्रधान विषय करता है या कर्म है या भाव है उसे हम वाच्य कहते हैं। दोस्तों वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे यहाँ पर संगीता खेल रही है। फिर क्या है दोस्तों अगला? संगीता से खेल खेला जा रहा है। अगला क्या है? संगीता से खेला नहीं जाता। तो आप इससे अंदाजा लगा लिए इन वाक्यों से कि आपकी क्रिया किधर की ओर जा रही है, उसका विषय क्या है, करता है, कर्म है या फिर भाव है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।